मतलब गाड़ी से पाए वही है ना आधार कार्ड इसके लिए तो कार्ड चाहिए था ये कल बताया उनको ये दो परिवार के दोनों परिवार में गाड़ी नहीं था वो ट्रेनिंग वो करवाना चाहता है दूसरे को तो वो भी हम करवा लेंगे वो मैम हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और जो परिवार ऑलरेडी अदर वर्क्स में चले गए हैं उनको भी हम लोग अभी वो आज हम लोग नए वोटर्स को मिले तो उनको भी स्किल डेवलपमेंट में ऐसे डाल सकते हैं तो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा क्लस्टर है सिल्क का भी इतना बड़ा है। आवास अंतर्गत आज मैं छतरपुर विधानसभा में आई हूँ और यहाँ जो पार्टी के पदाधिकारी और सब चुने हुए प्रतिनिधि को और मिलकर हम लोगों ने तैयार किया है कि आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से 100 साल बाद वाला भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता हुआ इसके लिए सबने संकल्प किया है। तो यहाँ पे जितनी भी सरकारी योजना है केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री आवास उनके जन औषधि केंद्र वहाँ बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन बांटना या अन्य सहाय योजना जो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना है इसके बारे में भी कलेक्टर से भी रिव्यू किया और साथ में आने वाले समय में जहाँ जहाँ पे भी विकास की बात आती है उसके साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना ये सब लोगों ने जिस तरह से विश्वास जताया है प्रधानमंत्री जी को बताने के लिए बोला है कि भाई हम लोग आने वाले समय में उनके साथ रहेंगे। सरकारी योजना के बारे में बात हुआ और जो प्रधानमंत्री आवास बनते हैं जो अन्न सहाय योजना है आयुष्मान कार्ड यहाँ है नहीं तो वहाँ हेल्थ रिलेटेड इशू में कैसे सॉल्व करेंगे मेरी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के कार्ड नहीं बने हैं ऐसे विषय में बात हुई। रेलवे डेवलपमेंट के लिए ज़मीन एक्वायर करनी होती है और उसके लिए राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलता है तो इसके लिए भी फॉरेस्ट क्लियरेंस भी चाहिए तो जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे।